अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर कामरान और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैसोराइड टैबलेट के हवाले से, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है ये दो साल्ट शामिल है। ये दो साल्ट से बनाया गया एक कंबाइन फार्मूला है जिसमें फ्रूसीमाइड प्लस अमाइलोरेड हाइड्रोक्लोराइड शामिल है। ये डाइजूरेटिक मेडिसिन की क्लास के साथ ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड हैं इसमें लैसोराइड शामिल है। ये सानोफी फार्मा की प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये अमाइलोराइड, लैसोराइड, ड्योराइड, मोड्योरेटिक के नाम से पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है। ये एक मशहूर ड्रग है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें अमाइलोराइड हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम और फ्रूसीमाइड जो है वो 40 मिलीग्राम शामिल किया गया है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें यह है कि ये डायरेक्टली जाके नेफ्रॉन पे असरअंदाज होती है और जिससे यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। यूरिन जो है वो ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारे ब्लड में जो पानी की मकदार होती है वो निकल कर गुर्दों की तरफ जाती है और साल्टी वाटर जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये हाइपरटेंसिव, एडिमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो ये हाइपरटेंसिव में दिन में एक गोली दी जाती है जो कि 12 घंटे के बाद रिपीट की जा सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी सेम यही डोज दी जाती है। इसके अलावा ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जो है ये पोटाशियम की मकदार को बढ़ा देती है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। अगर इसको ठीक ना किया जाए तो फिर मरीज़ को जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि मरीज़ का दिल बंद हो सकता है। जो शुगर और गुर्दों के मरीज़ हैं या ओल्ड एज लोग हैं उनमें ये मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी या मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है और डायरिया हो सकता है। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जिनको इस साल से एलर्जी है वो इसको इस्तेमाल ना करें और ये हाइपरकैलेमिया के मरीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर कोई पोटाशियम सप्लीमेंट ले रहा है तो वो भी इसके साथ इसे इस्तेमाल ना करें, जैसे कि डाइक्लोफेनिक पोटाशियम के साथ भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी जी लैसोराइड के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।